ब्लॉगर दिव्या में आप लोग का स्वागत है। तो यहाँ देखिए मौसम इतना सुहावना हो रहा है, यानी कि बारिश हो रही है बहुत तेज, और मुझे जाना पड़ रहा है मार्केट। तो मार्केट के लिए हम लोग निकल रहे हैं ई रिक्शे से, और क्यों जाना पड़ रहा है इसके लिए ब्लॉग में आपको कॉन्टिन्यू रहना पड़ेगा। इसलिए मुझे, और मैं आज बता दूँ, 3 दिन से डेली मार्केट कर रही हूँ, और अभी आई थिंक कल भी जाऊँगी। तगड़े से शॉपिंग हो रही है और मेरी कहाँ जाने की पैकिंग हो रही है, कहीं हम लोग जाने वाले हैं, तो इसके लिए बने रहिए ब्लॉग में। और यहाँ पे बारिश बंद होने का नाम कॉस्मेटिक में नहीं, के बावजूद भी मार्केट में इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि पूछे नहीं। भीड़ तो बहुत से बहुत ज़्यादा रहती है मार्केट में, जबकि सुबह का टाइम था ये। और फिर मैं यहाँ आ गई हूँ कॉस्मेटिक की दुकान। यहाँ देखिए अच्छी अच्छी कंघी रखी है, उनके यहाँ कॉम वही वाली थी, बड़ी नहीं है इससे, यही वाली है। और फिर ये नेक्स्ट डे की क्लिप है, कि तब मैं इनके साथ गई थी और कुछ मुझे बेटू के लिए कपड़े वगैरह लेना था और बेटू का सामान भी था। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ फ्रॉक वगैरह, तो यहाँ से भी मैंने कुछ शॉपिंग की थी ये चौक में। और ये शॉप चौक में पड़ती है, लाडली गणेश करके नाम है इस दुकान का। तो यहाँ पे बहुत ये नहीं ले रहा है, ये वाले कपड़े वगैरह मिल जाते हैं, यहाँ से उसको दिक्कत करेगा हैं। और बहुत सुंदर सुंदर कलेक्शन था इनके यहाँ। और इसके बाद मैं आ गई थी मॉल में, मॉल में मुझे कुछ काम था। जब तक मतलब किसी कहीं भी मार्केट जाइए, जब तक मॉल में ना जाइए लगता है कि हाँ कुछ अधूरा ही है। और हम लोग जो ले गए थे वो छोटा ही पड़ गया, तो हम लोग चेंज करने आए हैं अभी गर्मी के लिए कपड़े, उसके लिए बहुत सारे ये सब सैंड रोड बने आए ना खाली, इससे पहले अपने आते हैं रहने, उससे फर्स्ट क्राई भी अच्छा अच्छा दिखा रहा है ये वाले कपड़े। और फिर मैं आ गई हूँ पार्लर, क्योंकि मायके में फंक्शन है, तो उसकी फंक्शन की भी तैयारी करनी है कि हाँ मेरी थ्रेडिंग वगैरह मुझे करवानी थी और फेशियल भी करवाना था। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ, यहाँ पे और हाँ आप लोगों को जो जो भी ड्रेस बेटू का अच्छा लगे उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और यह ड्रेस तो आप लोग देख ही हैं, ये ड्रेस है जो मैंने कल पहनाया था इसके अनुप्राशन में, और अपने लिए यहाँ पे लिया है मैंने कड़ी, देखो ना कितनी सुंदर कड़ी है। और वैसे भी, और हाँ मैं दिखा दूँ ऑनलाइन मैंने क्या क्या मंगाया है। मैंने गर्मी के लिए इसके लिए ये सब सारे झबले मंगाए हुए हैं ऑनलाइन, जिसको मैंने धुल के डाल दिया था, एक बार वॉश करके फिर इसको पहनाए पहनाते हैं हम। एक नहीं दिख रहा इसमें का, चलो और छाती दिखा, एक दिख नहीं रहा इसमें का। और एक ये ड्रेस है, और ये है प्यारा सा, और अपने लिए मैंने लिया है। और हाँ अरे मेरे बेबी के पास ये नहीं था, टॉवल नहीं थी इसको उठा के ले जाने के लिए कहीं पे, और ये मैंने मंगाई है पर्स। तो
चलते हैं गाइस, इतना सारा सामान आपको दिखा दिए हैं और अब मैं चलती हूँ पैकिंग करने। जल्दी से पैकिंग कर लेते हैं। और मैं क्यों जा रही हूँ मायके, क्योंकि मेरे मायके में मेरे भैया की एंगेजमेंट है और मैं क्यों इतने दिन के लिए जा रही हूँ, अगर तो मैं बहुत दिनों से गई नहीं थी। मेरा बनता भी उधर भैया की शादी में बना था, तो उसमें मैं जल्दी चली आई थी, लेकिन अब मैं जा रही हूँ रुकने के लिए। मैं रुकूँगी कुछ दिन, तो इसीलिए इतना सारा सामान हो जा रहा है। और बेबी के साथ मायके जाना तो और ही वो है, क्योंकि बच्चों के कपड़े, डायपर और बहुत सारे सामान हो जाते हैं। आंटी जी कहाँ से आई हैं आप? बिहार से। बिहार से? बिहार में बिहारी तो कैसा लगा? कैसा लगा? अच्छा लगा। कहाँ कहाँ घूमी अयोध्या? एक महीने से घूम रहे हैं। एक महीने तो बहुत अच्छा लगा। राम राम जन्मभूमि भी देखी होंगी, मंदिर बन रहा है। आप लोग उतरेंगे क्या? सब है, राम भगवान का मंदिर।